हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये एक्चुअली 15-20 दिन पहले का वीडियो है। मैंने एडिटिंग करके रख दी थी, बट किसी वजह से ये डिलीट हो गई थी और अभी अपने आप ही मुझे लैपटॉप में वापस से शो हो रही है। तो मैंने फटाफट इसको ठीक करके आगे अपलोड कर रही हूँ मैं, तो आप इसको देखो और इन्जॉय करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सुबह का टाइम है, सुबह के बच्चों के हैं 10:30-11 के बीच का कोई टाइम है, अभी एग्जैक्टली नहीं पता। सो आज हम जा रहे हैं बेबी को वैक्सीनेशन के लिए। तो डॉक्टर ने बोला था कि 1 महीने जब बेबी हो जाएगी, अब 4 हफ्ते के बाद आप आ जाना वैक्सीनेशन के लिए। तो अब हम आज जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी बेबी को नहला रही है, मैं दिखा देती हूँ। तो बेबी को नहला रही है उसकी दादी। छिन्ना ने नाई नाई कर लिया, हमारी छिन्ना ने। तो यहाँ पे सुन्ना की नहाई नहाई हो चुकी है। फटाफट सुन्नू को रेडी करके हम चलते हैं हॉस्पिटल। तब तक मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। मैं अपना रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लग गया और मैं बहुत खुश भी हूँ। दूसरा रीजन ये है कि ये कपड़े मेरे को फिट आने लग गए हैं। मतलब मैं थोड़ा पहले बार ट्राई और किया था तो बिल्कुल ही नहीं आया था, जीन्स तो बंद ही नहीं हो रही थी और आज थोड़ा सा बंद हो गई है और मतलब आ रहे कपड़े। तो मैं बहुत खुश हूँ कि थोड़ा सा पहले जैसी जो बॉडी है वैसी हो रही है थोड़ा, इसलिए मैं खुश हूँ। बाकी ये देखो उसकी क्या नाम है, बुआ भी आ गया। अब बुआ उसी के ऊपर लगी हुई है, मैं बुआ को भी दिखाती हूँ उसकी। हेलो बुआ, अभी आई हूँ, मेरे को देख लो। बोलो हेलो बुआ, क्या चाहिए? नई नई हो गई, नो नो हो गई। देखते क्या देख रही है मेरे को, देखते क्या देख रही है मेरे को। सो हम लोगों की आवाज सुन के शेरू भी फटाफट आ गया, ये दिखाती हूँ शेरू को भी। शेरू बस चाटता नहीं, हाथ में भी देखता है। तो शेरू की आदत है उसको बार बार में निगरानी में रखने की, तो उसको देखता है, थोड़ा सा सूंघता है, फिर थोड़ा साइड हो जाता है कि देखता है कि सेफ है तो ठीक है, उसको छोड़ के फिर अपना बैठ जाता है शांति से। कहीं पे भी मैं इस रूम से उस रूम में भी जाऊंगी इसको लेके, तो फटाफट पीछे पीछे आ जाता है कि कहीं बाहर तो नहीं जा रही है, मेरे दूर तो नहीं कर रही मुझसे। तो हमसे ज्यादा प्रोटेक्टिव तो वही करता है। तो चलो अब ये सब तो होता रहेगा, मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको रेडी करते हैं, फिर लेके चलते हैं आज। सो मैं तो नाश्ता करने लग गई हूँ, मम्मी का और खिला का वेट कर रही हूँ, तो थोड़ा वो लेट में आएंगे, मैं कर लेती हूँ तब तक, फिर बेबी को पकड़ लूंगी। तो मैं शुरू कर रही हूँ, ये खिला भी आ गई है बेबू को रेडी करके। तो जी हम रेडी हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं। तो मम्मी बाहर चले गए, मैं दिखा देती हूँ। साथ आने को रेडी हो रखा है, तो अभी इसको अंदर बंद करें। चल बाय 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 छेरा। सो मुझे और सुन्नू को बाहर निकले हुए 1 महीना हो गया। 1 महीने पहले जब बेबी हुई थी तभी हम आए थे बाहर, उसके बाद आज ही आ रहे हैं और इतने दिनों बाद निकल रही हूँ घर से बाहर। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है बाहर का, क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी तो मौसम काफी सुहारा हो गया, तो गर्मी नहीं हो रही बिल्कुल भी, हवा भी तो ठंडे चल रही, तो अच्छा लग रहा है। पहाड़ की याद आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहाड़ों में आ चुकी हूँ। पहाड़ों जैसा मौसम हो रखा है, ठंडा ठंडा, बहुत सुहाना सा हो रखा है एकदम। पहाड़ों की याद आ गई, मन कर रहा है कि गांव आ जाओ जल्दी से। तो गांव भी आएंगे हम अभी थोड़ा टाइम के बाद, क्योंकि थोड़ा बच्चे भी छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर उसके बाद गाँव आएंगे, गाँव का भी ब्लॉग बनाएंगे और गाँव में भी अपने लोगों से आपको मिलाएंगे और फिर कब आते हैं। तो जी हम पहुंच गए हॉस्पिटल और यहाँ पे अब मैं अंदर ज़्यादा शूटिंग करूँगी नहीं, क्योंकि फ़ोन भी अलाउ होता नहीं है और मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं इंजेक्शन लगाने, तो मम्मी अंदर जाएगी क्योंकि मैं देख नहीं पाऊँगी इंजेक्शन लगते हुए। और फाइनली इंजेक्शन लग गया और अब हम आ चुके हैं बाहर। सो गाइज हम अभी निकल चुके हैं, इंजेक्शन लग चुका है, थोड़ा सा रोई थी बट उसके बाद शांत हो गई। और अभी हम वेट कर रहे हैं हस्बैंड का, तो जैसे वो कार लेके आएंगे फिर हम जाएंगे, तो थोड़ा वेट कर रहे हैं बाहर ही।
सो हमने जितना भी प्रोसेस था, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का सारा वेंकटेश्वर हॉस्पिटल से ही करवाया। और बस अभी सुन्नू थोड़ा सो रही है, थोड़ा सा बीच में रोई थी, बट अभी ठीक है। और बस अभी घर चलते हैं इसके बाद फटाफट। इंजेक्शन लगाने कौन गया था अंदर? इंजेक्शन तो मम्मी लगाने गई थी। दर्द हुआ इसको? रोई बहुत। मम्मी को पता होगा, बताओ मम्मी। रोई का अंदर जैसे इंजेक्शन भी इतने बड़ी ना, जैसे इंजेक्शन लगाया इसके पैर में, जैसे इंजेक्शन डाला था तब तो नहीं रो रही, जैसे दवाई गई करके चिल्लाना, इंजेक्शन इतनी बड़ी तब सोए थे, जब दवाई डाल रहा था ना तब रोने लग गई। अच्छा, ज्यादा तो नहीं रही ना? नहीं, आंटी पैर पकड़ो ऐसे नर्स। मेरे को जो दर्द हो रहा था। अच्छा, इंजेक्शन उसको लग रहा था दर्द आपको हो रहा था? वो सुई भी तो कितनी लंबी थी या पूरी, कोई तो ऐसे थोड़ा सा पतली पतली पूरी डाल दी पैर में, जांग में लगा दी। मम्मा छोरा बेटा। अरे मैं तो बोल रही हूँ ना, तुम लोग खा लो बर्गर, क्या हो गया फिर? तुम दोनों बर्गर और खा लेना, मैं कह रहा मैं घर जाके चावल खा लूंगी। इतनी चटोरी है, चटोरी देखना। चटोरी की क्या बात है, मैं आप लोगों का सोच रही हूँ कि आप घर जाके इसको चाहिए इसका वेट लॉस, पेट में क्या बात बात है। ऐसी मम्मी बनी है अभी सुनाया की आ हा 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 कि तुम खाओ मैं न खाऊं, मैं चावल खाऊंगी, सुनाया छोटी है करके मन पूरा इसका हो रहा। तो मन 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 मेरा कितना कुछ खाने को हो रहा है, कुछ नहीं खा रही हूँ ना मैं, तो इसीलिए नहीं खा रही क्योंकि शनाया की वजह से। शनाया की वजह से वो तो बोलना हो रहा, तेरा मन तो पूरा कर रहा है इसका। अब मन तो कर ही नहीं, जाए तो कुछ खिलाए। अभी शनाया छोटी है तो अभी कुछ भी नहीं खाएगी। हाँ तो मैं घर जाके चावल खा रही, तुम लोगों के लिए मैं बोली हूँ, तुम लोगों ने इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है बाहर का, तब जाके तुम थोड़ा खा लो। ऐसी बहू मेरी, समझदार तेरी मम्मी, ऐसी समझदार है। बाहर पूरा मन हो रहा, मन बना के आई है घर से। बता सुनू क्या खाएगी मम्मी? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा इतना। अच्छा मैं बोल रही, तुम लोगों के लिए नहीं खाना तो मत खाओ भाई, घर चलो चावल खाओ। तुम लोग शनाज पहली बार जा रही है बाहर खाने के लिए, खाने के लिए नहीं मतलब देखने के लिए सर। इससे पहले कहाँ लेके गए हम? नहीं लेके गए, जब खिला भी हमारे साथ थी ना, खिला नहीं थी हम तीनों, नहीं खिला भी तो थी उस दिन। आई थी खिला बाद में, आई थी यार मम्मी, खिला और जिस दिन ये स्कूटी लेके आए थे हॉस्पिटल में ही, याद करो उसी दिन थे खिला का। उस दिन भी क्या नाम है, शराय को हम लेके आए थे, तो शराय दूसरी बार जा रही है बेसिकली बाहर आउटिंग के लिए, बाद में आया था ना। हाँ उसी दिन तो थी, तो हमारा वही पुराना मैकडी जब से सुना पहुंच गए हम। ये कहती मैं नहीं खाऊंगी, और ये देखो तो बस एक यही खा रही हूँ, फ्रेंच फ्राइज खा रही हूँ और एक बर्गर खा रही हूँ, और कुछ भी नहीं मेरे लिए ऑर्डर किया है। सब तू ही खाएगी मेरे को पता है। क्यों खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। अच्छा झूठी है देख, ये मम्मी ने अपने लिए किया है चल। और ये इन्होंने अपने लिए किया है, बस मेरा एक बर्गर और एक दो तीन फ्रेंच फ्राइज खा रही हूँ बस मैं। खा बेटा खा। अच्छी बहू, अच्छी मम्मी, ये देख चावल बात खाऊंगी। तो दोस्तों शाम का वक्त है, खाना हमारा हो चुका है। बेबी को की बात करूँ तो बेबी का इंजेक्शन लगा है हेपेटाइटिस बी का, सो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो रखी है और बुखार नहीं आया उसको, बट हाँ हल्की हल्की गर्म हो रखी थी, तो अभी हमने इसको सुला कर बड़ी मुश्किल से सोई वो अभी थोड़ा, क्योंकि शायद उसके पैर में दर्द हो रहा था, पैरों में इंजेक्शन लगे उसके थोड़ा थाइस में। एंड बस अभी यही है कि अभी थोड़ा उसको देख रेख कर रहे हैं, उसी पर पूरा उसी पर पूरा दिन निकल गया। और बाकी तो यही है वीडियो में, और आपसे मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज अनीता मेहरा व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।